चहन फ्रेंड्स, मैं अवध ओझा भारत समाचार चैनल पर एक नए प्रोग्राम के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है अवधनामा। सौभाग्य से यह नाम मेरे नाम से मिलता है, लेकिन चूंकि यह प्रोग्राम अवध की धरती से शुरू हुआ, लखनऊ से, यह भी एक उद्देश्य है इस प्रोग्राम के नामकरण के पीछे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है इतिहास की उपयोगिता, इतिहास का महत्व और इतिहास की रोचकता को समाज के सामने प्रदर्शित करना। भारत समाचार ने इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य रखा है कि आज भारत के समाज में जो शंकाएं हैं, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, दुविधाएं हैं, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाए। इतिहास की तीन परिभाषाएं विख्यात हैं। पहली परिभाषा, इतिहास अतीत का अध्ययन है। अब लोग ये कहते हैं कि अतीत मृत का क्या उपयोग, बात बिल्कुल सही है कि जो चीज मृत हो चुकी है उसका क्या उपयोग, लेकिन वहीं पर दूसरी एक परिभाषा इतिहास की है जो उसे बड़ा प्रमुख स्थान देती है, और वो है कि इतिहास एक जीवांत विषय है। हिस्ट्री इज अ लिविंग डिसिप्लिन। कितना पैराडॉक्सिकल डेफिनेशन है। इतिहास यानी अतीत का अध्ययन, मृत मरा हुआ, और इतिहास एक जीवांत विषय है। तीसरी डेफिनेशन जो इसको और ऊंचाइयां प्रदान करती है वो ये है कि हिस्ट्री इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अब ये एक तीसरी परिभाषा कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर। इतिहास जो है वो एक डायलॉग है, किसके बीच में, पास्ट और वर्तमान के बीच में, किस लिए, जिससे कि भविष्य को अच्छा किया जा सके। अब इन तीनों परिभाषाओं के परिदृश्य में मैं आपको भारत के इतिहास की कहानी सुनाऊंगा, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, मैं आपको किताबों के नाम भी बताऊंगा, मैं आपको एक बृहद पृष्ठभूमि दूंगा इतिहास की, एक ऐसी पृष्ठभूमि जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि इस देश का इतिहास कितना विशाल है, इस देश की संस्कृति कितनी महान है, इस देश के योद्धाओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इस देश के संतों को क्यों जगत गुरु कहा गया। तो ये कार्यक्रम जो है वो सिर्फ हमारे समस्त देशवासियों के लिए ही नहीं बनाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इस देश की गरिमा का पता चल सके। तो सर्वप्रथम मैं इतिहास की उस कड़ी से आपको दर्शन कराऊंगा जिसको लेकर आज समाज में बड़ी शंका है, बड़ा विवाद है, बड़ा उहापोह है, और वो है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास एक खजाने का इतिहास है, एक बृहद ज्ञान के भंडार का आकाश है, जहां आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में सूचना मिलेगी। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने कहा कि वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन, हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं। भारत को सभ्य बनाने, भारत का मतलब ज्ञान, ये उनके शासक का एक आधार स्तंभ था कि हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं। सभ्य, आप जिस देश में हिंदू सिंधु सभ्यता के समय इस बात का एहसास था कि सड़कें कैसी बननी चाहिए, जिस देश को इस बात का ज्ञान था कि शहर कैसा बसाना चाहिए, देश को इस बात का ज्ञान था कि ईंट कितने पैमाने पर होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए कि कच्ची होनी चाहिए, जिसकी मानकता किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आज भी ये जेट युग, ये इंटरनेट का युग, ये 5G का युग, ये आज भी उस मानकता को तोड़ नहीं सका है। उस भारत का इतिहास,
उस भारत का इतिहास जहां चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य परिवार से निकलता है, सामान्य। इतिहासकार अगर बहुत गौर दें, बहुत निष्पक्ष होके बोले, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि वो किस वर्ण के हैं, वो किस जाति के हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जिसकी सूचना हमें मिलती है कि शायद चरवाहे का बेटा, और उस व्यक्ति की योग्यता, आज हमारे देश के युवा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, IIM करके डिप्रेशन का शिकार है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके पृष्ठभूमि का पता नहीं, उस चंद्रगुप्त मौर्य को एक सही डायरेक्टर मिलता है। डायरेक्टर मतलब वो नहीं जो आपको कैमरे के सामने घुमा रहा है, डायरेक्टर मतलब वो व्यक्ति जो आपकी जिंदगी को दिशा दे रहा है। वो व्यक्ति आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, वो व्यक्ति आपका मित्र हो सकता है, आपका पति हो सकता है, डायरेक्टर। और वो बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसी परिवार में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे राजा का स्थान है, अशोक महान। इस शब्द पर चर्चा करेंगे जब हम अशोक पर आएंगे। महान, बड़ा प्यारा शब्द, अशोक महान। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के साथ साथ भारत का इतिहास आपको बताएगा उस समृद्ध गरिमा के बारे में जिसमें हमारे बहुत सारे लोग शायद उस गरिमा से अनभिज्ञ है। यह देश विज्ञान जानता है मानव को भगवान बनाने का, उपनिषदों का देश, उपनिषदों को, बुद्ध का देश, महावीर का देश, प्राचीन भारत, बुद्ध जिसको पश्चिम को भी लाइट ऑफ एशिया कहना पड़ा। वो समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहते हैं, वो चाणक्य को तो भारत का मैकियावेली कहते हैं, लेकिन वो बुद्ध को भारत का जीसस नहीं कह पाए। इतना महान व्यक्तित्व, इतनी बड़ी गरिमा बुद्ध की, कि उन्हें मजबूरन बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहना पड़ा। पतंजलि, पतंजलि जिसके योग सूत्र ने इस दुनिया को एक नया जीवन दिया, एक ऐसी रास्ता दिया, एक ऐसा राह दिया जिस पे आज पूरी दुनिया निर्भर कर रही है। हम आगे देखेंगे, हम जब मौर्योत्तर काल में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमण, हालांकि विदेशी आक्रमण भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है, कि जब भी आपका संगमरमर का महल झोपड़पट्टी के बीच में होगा तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे, ये झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। ये सीखने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये जानने का विषय है। शक, कुषाण भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और तब भारत के राजाओं ने डटकर सबका सामना किया। जो भारत में आ सके, रह सके, वो भी भारतीय संस्कृति से अछूते नहीं रहे। इतनी महिमा भारतीय संस्कृति की, मेनेंडर बुद्ध के प्रभाव से नहीं बच सका। उसी पर एक बड़ी फेमस किताब है, मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मेनेंडर, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल के, मौर्योत्तर काल भारत की आर्थिक उन्नति का चरमोत्कर्ष का काल, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, आर्थिक उन्नति, रोम से व्यापार, मध्य एशिया से व्यापार, पश्चिम एशिया से व्यापार, अति उन्नति, सोने का प्रवाह। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? गुप्त काल में हम पहुंचे, गुप्त काल में हमने देखा कि वहां के महान शासकों ने न सिर्फ एक गरिमामयी इतिहास की रचना की, बल्कि भारत को समृद्ध बनाए रखा, भारत की गरिमा बनाए रखी। एक मोड़ भी आता है, उस मोड़ को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर उस मोड़ को लेकर बहुत सारे लोग संदेह में रहते हैं। मैं तो खैर जब से हिस्ट्री, इतिहास पढ़ा रहा हूं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर गुप्त काल को तो स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन साक्ष्य, दो चीजें हैं शिक्षा में, एक है तर्क। तर्क के आधार पर किसी भी चीज को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तर्क इतना शक्तिशाली है कि तर्क के आधार पर किसी भी चीज को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो सही हो। और दूसरी चीज है साक्ष्य।
गुप्त काल के हम उस वैभव का वर्णन करेंगे, गुप्त राजाओं के वैभव का वर्णन करेंगे, लेकिन साथ साथ हम इतिहास की वो धारा जो परिवर्तित हो रही है, नगरीय क्रांति से अब गुजर रही है सामंतवाद की गलियों में, सामंतवाद शब्द सुनकर ही डर लगता है, सामंत। आज भी हमारे पत्रकार बंधु जब न्यूज़पेपरों में आर्टिकल लिखते हैं तो लिखते हैं बिहार के छत्रप, कर्नाटका के छत्रप, यूपी के सामंत, इस शब्द का इतना बुखार रहा है सामंतवाद की गलियों में। और गुप्त काल के पश्चात जब हम हर्षवर्धन के युग में पहुंचते हैं तो हम पूरा युग परिवर्तित देखते हैं। स्त्री की खराब दशा, सती प्रथा, बाल विवाह को बढ़ावा, स्त्री की शिक्षा का अंत, स्त्री की शिक्षा का पतन, जाति प्रथा। हमारे मित्रों को यह भ्रम है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ उत्तर वैदिक काल में और जाति व्यवस्था का जन्म हुआ गुप्तोत्तर काल में, हर्षवर्धन का काल, भारत का एक महान शासक जो भारत की गरिमा को बचाए रखना चाहता है, उसका काल, जिस बात के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है चीनी यात्री ह्यूएनसांग, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद राजपूत काल, सामंतवाद का चरमोत्कर्ष, मौर्योत्तर काल, नगरीयकरण का चरमोत्कर्ष, नगरीयकरण, राजपूत काल, सामंतवाद का चरमोत्कर्ष, और यहीं पर भारत का इतिहास फिर एक नए मोड़ पर आकर खड़ा होता है। तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है और वहीं से शुरू होती है मध्यकाल की रूपरेखा। लेकिन इससे पहले कि हम मध्यकाल में आए, मैं अब शुरू करूंगा प्राचीन काल के इतिहास की, जिसकी धारा मैं शुरू करूंगा वैदिक काल से। तो हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास की, और उस प्राचीन इतिहास में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वैदिक काल का इतिहास। वैदिक काल, नाम में ही वेद आ रहा है, वेद यानी अपौरुषे, बाइबल यानी अपौरुषे, कुरान यानी अपौरुषे, आदि ग्रंथ यानी अपौरुषे। आपको जानकर यह हैरानी नहीं होती, अपौरुषे, इन सारी किताबों को अपौरुषे क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या मकसद रहा होगा, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य बड़ा महान था। आधुनिक युग और आधुनिक युग से पहले, मतलब जिस युग में आप रह रहे हैं और जिस युग में वैदिक काल के लोग रहते थे, यानी प्राचीन और मध्य काल जिसको हम कहते हैं, हम पूरे इतिहास को दो भाग में बांटेंगे, एक पूर्व आधुनिक काल, एक आधुनिक काल। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा पूर्व आधुनिक काल, उसका मतलब होगा प्राचीन काल और मध्य काल, और जब भी मैं आपसे कहूंगा आधुनिक काल, उसका मतलब होगा अभी का युग जो चल रहा है, औद्योगिक क्रांति के बाद का युग। हालांकि बड़े सारे इतिहासकार उसको 1453 से भी मानते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जिस भी बात से मेरे असहमत रहें, जिस भी बात पर आपको हमें कुछ मैसेज भेजना है, आप सभी के मैसेज का स्वागत रहेगा। मैं जो भी आपसे बताऊंगा, मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा, मैं आपको सोर्स के साथ बताऊंगा, मैं आपको पुस्तकों के साथ बताऊंगा। इसलिए हमारे जितने भाई बंधु किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए तो विशेषकर इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत के सभी नागरिकों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए है कि वो जान सके भारत का गौरव, वेद। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा पूर्व आधुनिक काल, तो पूर्व आधुनिक काल का मतलब हुआ प्राचीन और मध्य काल, और जब मैं आपसे कहूं आधुनिक काल, तो आप सोचिएगा औद्योगिक क्रांति के बाद का काल। पूर्व आधुनिक काल में धर्म संविधान की भूमिका अदा करता था, धर्म पर तो विशेष चर्चा, आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं मैं धर्म यहां खत्म कर दे रहा हूं, धर्म के एक एक पहलू की चर्चा, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे धर्मों पर चर्चा होगी इस मंच पर।
साक्ष्यों के साथ। तो आधुनिक काल से पूर्व का जो युग था वहां धर्म संविधान था, जैसे आज हमारे पास लिखित संविधान है जिसपे राष्ट्र चल रहा है, ऐसे आधुनिक काल से पूर्व धर्म संविधान था और उस संविधान का काम था समाज का संचालन। अब वो संविधान किसने लिखा है? आप और उसे। ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, गॉड ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है। तो अब भगवान और अल्लाह और गॉड नीचे तो आएगा नहीं, तो उसका नीचे रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझिए, धर्म क्या था आधुनिक काल से पूर्व? संविधान था, और वो अपौरुषेय है। धार्मिक ग्रंथ अपौरुषेय है, पुरुष द्वारा रचित नहीं है, अपौरुषेय ईश्वर द्वारा रचित, भगवान द्वारा रचित, अल्लाह द्वारा रचित। तो अब उस भगवान का रिप्रेजेंटेटिव भी नीचे होगा, तो वो कौन होगा? राजा। इसीलिए आधुनिक काल से पूर्व राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया। अशोक ने क्या उपाधि ली? देवानाम पियदसी, मैं देवताओं का प्रिय। गुप्तों ने क्या उपाधि ली? परम भागवत। फिर जब मध्यकाल शुरू हुआ तो मुसलमान शासकों ने क्या उपाधि ली? जिल्ले इलाही। आज जो हमारा प्रधानमंत्री है, आज जो दुनिया में राजा है, वो जिल्ले इलाही नहीं है, वो जिल्ले जमूरियत है। अब संविधान कौन लिखा? जनता ने। तो आज का राजा जनता का प्रतिनिधि है और आधुनिक काल से पूर्व का राजा ईश्वर का प्रतिनिधि। वेद आप और उसे ज्ञान के भंडार। महर्षि दयानंद ने आधुनिक काल में कहा वेदों की ओर, इस लाइन पर चर्चा करेंगे। अब वैदिक काल का इतिहास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। तो बड़े सारे राज छिपे हुए हैं, बड़े सारे रहस्य छिपे हुए हैं, उन सारे रहस्यों से मैं आपको पर्दा उठाऊंगा। अर्थव्यवस्था, वैदिक काल पढ़ने की सुविधा के हिसाब से दो भागों में विभाजित है। वैदिक काल दो भागों में, पहला भाग ऋग वैदिक काल जिसका सोर्स है ऋग्वेद, और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल जिसका सोर्स है ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं पढ़ने की सुविधा के अनुसार, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। अब वैदिक काल के इतिहास से एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है वह है आर्यों का आगमन। बड़ी चर्चा हुई इस पर, बहुत चर्चा हुई आर्यों का आगमन। आर्य मतलब श्रेष्ठ, मतलब आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है श्रेष्ठ, सुपीरियर। किसमें? आचरण में, शक्ति में, व्यवहार में श्रेष्ठ, मैक्स मूलर, महान विद्वान जिसने इस आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को जन्म दिया, इस देश को विभाजित करने के उद्देश्य से बड़ी गलत मंशा के साथ उस व्यक्ति ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। हम भारत के लोग भारतीय हैं, हम भारत के लोग भारतीय हैं, हम भारतीय सर्वप्रथम है, तभी तो भारत रहेगा, तभी तो भारत चलेगा, तभी तो भारत विकसित होगा। लेकिन 1850 के बाद जब आप मैक्स मूलर की एंट्री देखेंगे, 1850 के बाद, अब 1850 के समय आप 57 की क्रांति देखेंगे, 1857 की क्रांति में आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान की एकता अंग्रेजों की आंख का नासूर बन गया। एकता तो खत्म करनी है ना, किसी को शोषण करना चाहते हो तो उसके परिवार को एक रहने दोगे? तोड़ दोगे, तभी तो शोषण होगा। कांग्रेस का जन्म, फिर जातिगत संस्थाएं, फिर धर्मगत संस्थाएं, उन सब पर खैर मैं आधुनिक काल में आपसे चर्चा करूंगा। वैदिक काल अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था
पर मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। किसी भी राष्ट्र का जब आप इतिहास पढ़ें, अर्थव्यवस्था पर अपनी पैनी नजर रखें, सिर्फ अर्थव्यवस्था का योगदान नहीं होता, इतिहास के निर्माण में कई चीजों का योगदान होता है, उसमें प्रमुख है अर्थव्यवस्था। अगर आप कहते हैं सिर्फ अर्थव्यवस्था है तो आपको लेफ्ट विंग हिस्टोरियन मान लेंगे। इसलिए इतिहास के निर्माण में सिर्फ अर्थव्यवस्था का योगदान नहीं है, इतिहास के निर्माण में अर्थव्यवस्था का योगदान है, इतिहास के निर्माण में ज्योग्राफी, भूगोल। कश्मीर में आप आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगे? नहीं चलेगी। अगर आपको कहीं किसी जगह का भूगोल पता है तो आप वहां की संस्कृति समझ सकते हैं, आप वहां की अर्थव्यवस्था समझ सकते हैं, आप वहां पर कैसा इन्वेस्टमेंट करना है यह समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था, पहली चर्चा हम करेंगे वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। अब ऋग वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है, ऋग वैदिक काल में आर्यन कहां बसे हुए हैं? पंच नदियों के देश में, सप्त सैंधव, पांच पंजाब की, दो अफगानिस्तान की। सप्त सैंधव का जो इलाका है वो है ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान। देखिए जरूर, खासकर हमारे वो विद्यार्थी भाई जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जब भी मैं किसी लोकेशन का वर्णन, आप अपने साथ एटलस लेकर जरूर बैठे, क्योंकि सामने देखकर और फिर कनेक्ट करने की पढ़ाई, आपकी विचारधारा, आपके समझने की क्षमता, आपकी सोच सबको विकसित करेगी। एटलस अपने साथ रखिए। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो स्थल है वो सप्त सैंधव का क्षेत्र है, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक का जो इलाका है वो वाला इलाका है। कबीलाई लोग, ट्राइबल मतलब सहृदयी लोग, प्राकृतिक लोग, पिछड़े नहीं। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत के लिए गौरव की बात है, भारत के प्रजातंत्र की विजय की बात है। वनवासी, ट्राइबल मतलब प्रकृति, जो प्रकृति से जुड़कर रह रहा है वो है वनवासी। हम कहते नहीं जब हम बहुत बोर हो जाते हैं कि भैया हम हरिद्वार जा रहे हैं, भैया हम भैया ऊटी जा रहे हैं, हम कुर्ग जा रहे हैं। ये शहर जब हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, निराश कर देते हैं, तो हम सब जंगल की तरफ जाते हैं। मुन्नार जंगल की तरफ जाते हैं, क्योंकि स्वभावतः हम सब प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, वही तो हमारी मां है। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है, जो लोग हैं वो ट्राइबल हैं, ट्राइब दिखाई पड़ेगी, कबीला राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, कबीला है। कबीला क्यों है, राज्य क्यों नहीं है? आपके मन में सवाल आना चाहिए। आप जिस किताब को जब पढ़ते हैं आप क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ट्राइब, गुरु ट्राइब, तुर्वसु ट्राइब, क्रीवी ट्राइब, ये कबीले क्यों हैं, ये राज्य क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अभी तक आपने एक प्रथा का पालन किया, आप किताब में अंडरलाइन करते थे, छोड़ दीजिए, अंडरलाइन करने से इस बात का एहसास होता है कि मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, और प्रश्न चिन्ह लगाने से इस बात का एहसास होता है कि मुझे पता करना है, दिमाग को खोलना है, दिमाग को जिंदा करना है। तो हमारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो प्रश्न चिन्ह लगाना सीखें। ऋग्वैदिक काल में कबीला क्यों, कबीला आगे बताता हूं क्यों कबीला, समाज में चर्चा करूंगा क्यों कबीला। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है कबीलाई अर्थव्यवस्था है, भरण पोषण, सबसिस्टेंस इकॉनमी। जैसे आप कहेंगे जैसे रिक्शे वाले की गिरामी, भरण पोषण, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे बेचारा 400 रुपया डेली कमाता है और 400 डेली उसके ऊपर खर्चा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। जहां आपने पढ़ा ना कि भारत ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कबीलाई अर्थव्यवस्था है, पशुचारण अर्थव्यवस्था है, क्यों? यह चीज आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्यों? अब भूगोल देखना पड़ेगा इस बात को जानने के लिए।
तो जब हम भूगोल देखेंगे आज उस क्षेत्र का, तो हम देखेंगे कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। अर्थव्यवस्था को समझना है तो भूगोल पर नजर रखिए। भाई यूरोप के लोग अमेरिका में जाके बसे, उत्तर अमेरिका में, आज उत्तर अमेरिका सुपर पावर बन गया। किसकी वजह से? भूगोल की वजह से। मुख्य भूमिका किसकी है? भूगोल की। लेकिन यूरोप के लोग अफ्रीका में भी तो जाकर बसे। इतिहास और अर्थव्यवस्था को समझना है तो उस जगह की भूगोल पर नजर रखिए। तो आप जब सप्त सैंधो का क्षेत्र आज देखेंगे, कृषि के लिए बहुत उपयोगी जगह नहीं है। दूसरी, कृषि उपकरण नहीं है, लोहे की खोज नहीं हुई। तांबे का हल बनाकर आप जमीन में डालेंगे, चलेगा ही नहीं। लकड़ी का फाल बना के आप जमीन में डालेंगे, पलाऊ, चलेगा ही नहीं। तो एक तो कृषि उपयोगी जगह नहीं है, दूसरे सशक्त कृषि उपकरण नहीं है, तो फिर जीना, जीवन निर्वाह किस पर निर्भर है? पशु चारण पे, पैस्टोरल इकोनॉमी। कृषि भी नहीं है, व्यापार वाणिज्य भी नहीं है, जीवन निर्वाह सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है, किस पे? पैस्टोरल, पशु चारण। अब एक खेत में आप 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर ले, ज्यादा अच्छे फर्टिलाइजर और तमाम चीजों का इस्तेमाल कर ले तो 15 हो जाएगा। लेकिन पशु से सोर्स सीमित है, पशु चारण। अब कैसे कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशु चारण है? अब आज अरब में मुद्रा को क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर। आज अरब में युद्ध को क्या कहते हैं? पेट्रो वॉर। आज अरब में समृद्ध व्यक्ति को क्या कहते हैं? पेट्रो शेख। समृद्धि का संबंध पेट्रोल से, युद्ध का संबंध पेट्रोल से, यानी वहां की अर्थव्यवस्था में जो सबसे प्रमुख चीज है वह है पेट्रोल। ऐसे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को आप देखें, ऋग्वैदिक समाज समय को देखें, तो वहां समृद्ध व्यक्ति के लिए शब्द है गोमत, जिसके पास ज्यादा गायें हैं। वहां युद्ध के लिए शब्द है गविष्टि, गायों की खोज। वहां समय के लिए शब्द है गोधुली। वहां पुत्री के लिए शब्द है तुहित्री। गौ पर आधारित अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। लेकिन 1000 ईसा पूर्व BC, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये एडी और बीसी क्या है यार, और पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क लगा दें वहीं पे कि कोई मिलेगा शिक्षक हमारे जैसा या हमसे भी बहुत अच्छा, तो उससे पूछ रहे हैं कि मास्टर साहब बीसी और एडी क्या है? एडी मतलब एनो डोमिनी, क्राइस्ट के बाद का समय, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट की जो समय अनुक्रम है, डेट है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, ईसा से 5000 वर्ष पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 BC में एक बहुत बड़ी घटना घट गई भारत में, लोहे की खोज। लोहे का इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, चाहे विवाह हो, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, हम लोहे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। आपने कभी गौर किया, बहुत सारे लोग तो लोहे, घोड़े की नाल जो लोहे की है, वो घर के दरवाजे पे लगाते हैं, लोहे की मुंदरी पहनते हैं, और हमारी बड़ी सारे रीति रिवाजों में हाल जो प्लाव है उसको रखा जाता है। लोहे ने इस देश की तस्वीर बदल दी, लोहे ने इस देश की तस्वीर बदल दी। 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज, पहला साक्ष्य कहां मिला? धारवाड़, कर्नाटका। 1000 ईसा पूर्व। अब वो भारत, उत्तर भारत कैसे पहुंचा, ये तो इतिहासकार ढूंढेंगे, उन्हें ढूंढने दीजिए। जब वो मिल जाएगा कि वो उत्तर भारत कैसे पहुंचा, वो आपको बता देंगे, आप परेशान मत होइए, आप कपोल कल्पना मत करिए, पहुंचा होगा।
किसी न किसी माध्यम से तो पहुंचा होगा। धारवाड़ में पहला साक्ष्य मिलता है कर्नाटका में 1000 ईसा पूर्व, और लोहे ने इस देश की तस्वीर बदल दी। कैसे? भारत जो देश है, गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं और क्लिक करिएगा तुरंत, भारत जो देश है वो दोआबों का देश है। दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, नर्मदा तुंगभद्रा दोआब। आज आप एक काम करिए, हमारे सभी भाई बंद, आज भारत का फिजिकल मैप उठाइए और देखिए, भारत दोआबों का देश है, नदियों के बीच का स्थान, कृषि का देश, मॉनसून का देश है। मिलन मूवी आप देखिए, सावन का महीना, पवन का रिशोर, जियर झूमे इसे जैसे बनमा नाचे मोर, कितनी बारिश पर और बरसात के मौसम में कितने सारे गाने बने, लोक गीत बने। भारत दोआबों का देश है, दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और भारत मानसून का देश है। इसलिए जब भारत का आप फिजिकल मैप देखेंगे ना, तो बड़ी ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी आपको वहां पे, और लोहे ने उस ग्रीनरी को खोल दिया। उत्तर बस यहीं से, इसी 1000 ईस्वी से जब लोहे की खोज हुई, बस यहीं से कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। इसको नोट कर लीजिएगा, लोहा और कृषि अर्थव्यवस्था। लोहे ने इस देश के दुआबों को, के ताले को खोल दिया। बस यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति, भारत का समाज, भारत की संस्कृति, सब में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। इसका मतलब यह नहीं कि ऋग वैदिक काल के लोग कृषि के बारे में नहीं जानते थे। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल मतलब चैप्टर, ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वो कृषि पर बेस्ड है। अब आज क्या अफगानिस्तान के लोगों को कृषि के बारे में नहीं पता है? बिल्कुल पता है, अफीम की खेती होती है, कृषि के बारे में पता है। लेकिन अफगानिस्तान कृषि अर्थव्यवस्था का देश नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता है, बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एब्सेंट है। समझिएगा इस बात को। ऐसे ऋग्वैदिक काल के लोगों को कृषि के बारे में पता है, एग्रीकल्चर के बारे में पता है, लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। और प्राइमरी सेक्टर के ऊपर खड़ा होता है सेकेंडरी सेक्टर। बेस में क्या है? एग्रीकल्चर। बेस के ऊपर क्या है? बिल्डिंग, इंडस्ट्री। और इस बिल्डिंग की ब्यूटी क्या है? सर्विस सेक्टर। ऐसे ही तो पढ़ेंगे मित्र भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इसलिए हम यहीं से 1000 बीसी से एक नए युग की शुरुआत मानते हैं, उत्तर वैदिक काल, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। साक्ष्य, एविडेंस, शतपथ ब्राह्मण में प्लाउ रिचुअल, प्लाउ, हल, हल रिचुअल, हल कर्म कांड की सूचना, शतपथ ब्राह्मण, प्लाउ रिचुअल। जब किसी की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूजा होती है। शतपथ ब्राह्मण में भूमिदान का उल्लेख, जब किसी की कीमत बढ़ती है तो उसका दान दिया जाता है। वैदिक काल का पहला परिदृश्य, कबीलाई अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर। अब अर्थव्यवस्था, लोहे की खोज हुई, लोहे ने कृषि अर्थव्यवस्था का ताला खोला। जब कृषि अर्थव्यवस्था का ताला खोला तो अब ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं ये किधर की तरफ प्रस्थान करेंगे? एग्रीकल्चर के क्षेत्र की तरफ प्रस्थान करेंगे, उत्तर भारत में और आगे बढ़ेंगे। अब इस बदली हुई अर्थव्यवस्था ने राजनीति का रूप तुरंत बदल दिया। अब देखिए राजनीति और अर्थव्यवस्था का संबंध, इस बदली हुई अर्थव्यवस्था ने राजनीति के रूप को तुरंत बदल दिया। चीन की अर्थव्यवस्था और चीन की राजनीति, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की राजनीति, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और अफगानिस्तान की राजनीति, आप तीन एग्जांपल अपने सामने रखिए,
और फिर आप देखिए कि अर्थव्यवस्था और राजनीति का कितना अंतः संबंध है। आज की डेट में अफगानिस्तान में स्टैंडिंग आर्मी रखना, स्थायी सेना रखना संभव है? नहीं। एक बड़ा प्रशासनिक रूप रखना संभव है? नहीं। अर्थव्यवस्था ही नहीं है, खाने को नहीं है, सेना कहां रखेंगे? हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अर्थव्यवस्था और राजनीति का अंतः संबंध। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखिए, एक शक्तिशाली सेना, एक शक्तिशाली प्रशासन, बड़ा प्रशासन, शक्तिशाली प्रशासन, एक जबरदस्त सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कौन है पीछे? अर्थव्यवस्था। तो वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था का परिवर्तन हुआ, उस अर्थव्यवस्था के परिवर्तन ने राजनीति को भी परिवर्तित किया। तो अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था से राजनीति पर। अब राजनीति त्रिक वैदिक राजनीति कबीले पुरु कबीला तुर्वसु कबीला क्रीवी कबीला कबीले। आप कहेंगे साहब कबीले राज्य क्यों नहीं है? हाँ, अगर आपने ये सवाल वहां टीवी पर बैठकर किया कि साहब कबीले क्यों हैं, राज्य क्यों नहीं है, इसका मतलब आपके सोचने की क्षमता बड़ी प्रखर है। शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम है सोचने पर मजबूर करना। शिक्षा का काम तोता बनाना नहीं है, शिक्षा का काम है सोचने पर मजबूर करना, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग एक महान डॉक्टर बनेगा, एक जिंदा दिमाग एक महान इंजीनियर बनेगा, एक जिंदा दिमाग एक अच्छा जर्नलिस्ट बनेगा, एक जिंदा दिमाग एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, एक जिंदा दिमाग महान संत भी तो बन सकता है सदगुरु, एक जिंदा दिमाग कुछ भी महान बनेगा। शिक्षा का काम नौकर पैदा करना नहीं है कि भैया भैया पढ़ लो भैया तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर भैया तुम्हारी शादी हो जाएगी। हिंदुस्तान में शिक्षा का दो ही काम है, इसीलिए तो आज ये देश, हमारे देश के युवा परेशान है, इसीलिए तो आज हमारा देश का समाज परेशान है। बचपन से मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि हमारे घर में हमारे पिताजी ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा अन्य परिवारों में कि पढ़ लो भैया, पढ़ के भैया नौकरी लगाओ, किसी तरह भैया नौकरी लग जाए भैया। अच्छा चलो नौकरी लग गई, फिर भैया शादी हो जाएगी भैया। जैसे लगता है जीवन में दो ही काम है। हिंदुस्तान में आखिर महान पैदा होने कम क्यों हो गए? वो प्राचीन भारत का इतिहास, महानतम लोगों का इतिहास, और आज के भारत का इतिहास, इंजीनियरों का इतिहास, सिर्फ डॉक्टरों का, सिर्फ सिविल सर्वेंटों का। क्योंकि प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य था दिमाग को जिंदा करना। तो मैंने आपसे कहा ना, आप क्वेश्चन मार लाए कि कबीला क्यों, राज्य क्यों नहीं? क्योंकि राज्य की स्थापना के लिए अपरिहार्य चीज है, नेसेसरी। राज्य की स्थापना के लिए अपरिहार्य चीज है टैक्सेशन सिस्टम। बिना कर प्रणाली के राज्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। आप कहेंगे कि क्यों? आत्मा है, शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर बचेगी? टैक्सेशन व्यवस्था जो है वो राज्य की आत्मा है, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। आप कहेंगे साहब तो ये टैक्सेशन सिस्टम क्यों नहीं है साहब, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। खाने को नहीं है, तुम टैक्स लोगे भैया? अब देखो अर्थव्यवस्था और राजनीति कैसे जुड़कर समझ में आ रही है, भरण पोषण, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। खाने को नहीं है, टैक्स कहां से दोगे? तो टैक्सेशन सिस्टम क्या है? राज्य की आत्मा है। और ऋग्वैदिक काल में
सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते तो राज्य नहीं है, तो कबीले है। टैक्स नहीं है तो स्थायी सेना नहीं है, सैलरी कहां से दोगे? टैक्स नहीं है तो बृहद प्रशासन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और मौर्य काल में जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा एक लार्जर ब्यूरोक्रेसी आई नहीं यार। आप सोचोगे भैया प्रशासन, बृहद प्रशासन भी नहीं, नहीं है, स्थायी सेना नहीं है, और राजा, राजा वन अमंग इक्वल जमीन पर बैठता है, दरी पर, राजा अपनी प्रजा पर ही निर्भर है, तो समान है। राजा का चयन होता है, कौन करती है? समिति करती है। तो फिर ऋग्वैदिक काल का प्रशासन कैसे चलता था? टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, स्थायी सेना नहीं है और बृहद प्रशासन नहीं, तो ऋग्वैदिक काल का शासन कैसे चलता था? समितियों से, कबीलाई समितियों से, ट्राइबल असेंबलीज। कौन कौन सी असेंबली? सभा, समिति, विदत, कण। राजा युद्ध किसके बल पे करता था? ग्राम के बल पर। ग्राम, गांव, गांव थे ही नहीं तो ग्राम मतलब युद्ध की टोली। तभी तो दो ग्राम जब लड़ते थे तो उनको कहते थे संग्राम। तो ऋग्वैदिक काल में कबीले थे, कुरुत कबीला, तुर्वसु कबीला, क्रीवी कबीला। राजा समान, सबके समान होता था, वन अमंग इक्वल, स्थायी सेना नहीं थी, बृहद प्रशासन नहीं था, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। शासन किससे चलता था? समितियों से। 1000 BC में लौह क्रांति, आयरन रेवल्यूशन, आयरन रेवल्यूशन ने जन्म दिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बदली। अर्थव्यवस्था बदली, अब जब अर्थव्यवस्था बदली तो राज्य भी तो बदलेगा, अब लोग स्थिर भी तो होंगे कृषि करने के लिए। तो आप उत्तर वैदिक काल में देखोगे कि जन बन गया जनपद, स्टेट सिस्टम का जन्म, राज्य का जन्म। आप कहेंगे कौन सा राज्य, किस राज्य की बात कर रहे हो? मैं कहूंगा कुरुक्षेत्र, जहां कुरु कबीले के लोग बसे उसे कहा गया कुरुक्षेत्र। पंचाल, जहां पांच कबीले मिलकर बसे उस एरिया को कहा गया पंचाल। प्रवाहण जावेली, बड़ा विशेष राजा पंचाल का, दार्शनिक डिबेटों के लिए फेमस प्रवाहण जावेली। फिर जहां बहुत सारे कबीले के लोग मिल गए, अब आइडेंटिटी पैदा करना मुश्किल हो गया, पता करना मुश्किल हो गया कि कौन सा कबीला है, तो उसको कहा गया विदेह, बिना देह का। अब जब राज्य पैदा हुआ इसका मतलब टैक्सेशन सिस्टम पैदा हो गया, बिल्कुल कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार वाणिज्य अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, कर प्रणाली का जन्म, कर प्रणाली के जन्म से राज्य का जन्म। राज्य का जन्म, कर प्रणाली का जन्म, यानी प्रशासन का भी जन्म होगा, बिल्कुल हुआ। कबीलाई समितियां थी वो परिषद बन गई, सभा और समिति। ब्यूरोक्रेसी का आदिम रूप पैदा हुआ, प्रिमिटिव फॉर्म, प्रिमिटिव 12 रत्नंस, 12 रत्न। अर्थव्यवस्था भी बदली, राजनीति भी बदली। देखो इतिहास का खेल, इतिहास मुर्दों का विषय नहीं है। हमारे यहां तो लोग मजाक करते हैं, अरे भैया तुम तो मुर्दों का विषय पढ़ो। मुर्दे, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत तीन परिभाषाओं से की और तीनों परिभाषाओं को एक ट्रायंगल में लिखकर और जोड़ के पढ़िएगा। इतिहास यानी अतीत का अध्ययन, इतिहास जीवांत विषय, इतिहास मतलब
भूत को समझकर भविष्य वर्तमान को सुधारना, जिससे कि भविष्य महान हो सके, तभी आपको इतिहास पढ़ने का मजा आएगा, तभी आपके लिए इतिहास गुरु बन जाएगा, तभी आपके लिए इतिहास मार्गदर्शक बन जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और फिर हमारी मुलाकात आपसे अगले संडे को होगी ठीक 12 बजे। जय हिंद।